न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 68 अंक फिसल कर 66,459 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 20 अंक नीचे 19,734 पर बंद हुआ। पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा 5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी रही। सोना 80 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,430 रुपए हुई। चांदी की कीमत में भी उछाल रही। चांदी 400 रुपए महंगी हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,100 रुपए हुई। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी हैं। OMC के इस फैसले के बाद दिल्ली में जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर 98,508.26 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। माना जा रहा है कि ATF की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद अब हवाई सफर महंगा हो सकता है। कमर्शियल LPG सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1,680 रुपए हो गए हैं। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं की गई है। IIT कानपुर ने बिना बिजली के चलने वाला एयर प्यूरिफायर बनाया है। दरअसल एक ऐसा एयर प्यूरिफायर है जिसे आपको अलग से चलाने की जरूरत नहीं है, यह आपके AC में प्लग हो जाएगा। मतलब जब आप AC चलाएंगे तो AC के साथ साथ ये भी अपना काम करना शुरू कर देगा और सिर्फ आधे घंटे में घर के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा। दावा है कि ये भारत का ऐसा पहला एयर प्यूरिफायर है जो AC के साथ प्लग हो सकता है। इसे बनाया है IIT कानपुर के रिसर्चर रवि कौशिक ने। इसकी कीमत भी बाजार में उपलब्ध तमाम एयर प्यूरिफायर के मुकाबले बेहद कम रखी गई है।